प्राय सीसीटीवी, मेक इन इंडिया सर्विलांस ब्रांड, कलर नाइट विजन, आईपी और सीसीटीवी सॉल्यूशन, लोकल सर्विस सेंटर के साथ वृंदावन कॉम्प्लेक्स खंडवा। रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा के दौरान खरगोन में हुए पथराव और हिंसा की घटना के विरोध में आज बजरंग दल के कार्यकर्ता घंटा घर पर एकत्रित हुए और वहां से रैली बनाकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक ज्ञापन दिया और आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की। द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा पर जिहादियों के द्वारा सुनियोजित तरीके से किए गए पथराव, आगजनी, लूटपाट तथा स्त्रियों को अपमानित किया गया, जिसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई करने तथा मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में ड्रोन से निरंतर निगरानी करने। ज्ञापन के दौरान विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष नवनीत अग्रवाल, अशोक पालीवाल, विहिप के जिला मंत्री अनिमेश जोशी, हिंदू जागरण मंच के डॉक्टर अनीश अर्जरे, मंगल सिंह गौर सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। पूरे देश भर में शोभा यात्राएं निकाली जा रही, खरगोन में भी शोभा यात्रा थी। हिंदू अपना उत्सव जो है शांतिपूर्वक मना रहे थे, अपना नाच गा रहे थे, परंतु मुस्लिम जिहादियों के द्वारा पूर्व में पूरी तैयारी के साथ में षड्यंत्र पूर्वक पथराव किया गया, हमले किए गए, हिंदुओं के घरों में आगजनी की गई, पेट्रोल बम फेंके गए। प्रशासन इस पूरे मामले में पूरे तरीके से नाकाम रहा। महिलाओं के साथ में छेड़खानी की गई, लूट लिया गया घरों को, और प्रशासन पूरे तरीके से नाकाम रहा। और अब जब दंगे हो गए हैं, कई परिवार प्रताड़ित थे, उसके बाद में प्रशासन के द्वारा मात्र अतिक्रमण हटा करके कार्रवाई की जा रही है। बजरंग दल के माध्यम से मैं शासन और प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूँ कि वैधानिक कार्रवाई इन दंगाइयों को चिन्हित करके की जाए, इनकी संपत्तियां जब्त की जाए, इनके ऊपर जो है वो कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर कार्रवाई हो, इनको मिलने वाली सारी शासन से जो सुविधाएं मिलती है उस पर भी तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा देना चाहिए, और जितना भी आर्थिक नुकसान हुआ है इन लोगों से वसूलना चाहिए। एक शिव शुक्ला नाम का 16 वर्षीय बालक जो है उसको गंभीर चोट आई है, उसको भी सरकार जो है आर्थिक सहायता करे, और जिन जिन को भी इसमें नुकसान हुआ है उनको भी सरकार जो है वो सहायता प्रदान करे, अन्यथा सड़क नाराज होकर खंडवा कलेक्ट्रेट पहुंचा है। किस बात को लेकर इतनी नाराजगी? खरगोन और सेंधवा में योजनाबद्ध तरीके से अजान को बहाना बनाकर, मतलब एक आस्था को बहाना बनाकर दूसरी आस्था को चोट पहुंचाना, मतलब कुल मिला के ये जो तैयारी चल रही है, ये हर शहर हर जिले को में एक पाकिस्तान बनाने की इनकी जिहादियों की तैयारी चल रही है। उस अजान को बहाना बनाकर जो इन्होंने पथराव किया, शासन प्रशासन ने उस अजान को ही तत्काल प्रभाव से लाउडस्पीकर से बंद करवाना चाहिए। और पहला विषय ये आता है कि जब भी हिंदू समाज का धार्मिक त्यौहार आता है तो उसमें 2-3 घंटे की वो अजान से प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जाती है, तो ऐसा क्यों न किया जाए कि उस समय होने वाली उस क्षेत्र की मस्जिद की अजान को ही क्या एक दिन बंद नहीं कर सकते? आप अगर बड़े उदारवादी हो, आप में अगर भाईचारा है, तो आपने ये करना चाहिए कि उस दिन उस समय आधे घंटे की 10 मिनट की होने वाली उस अजान को बंद किया जाए और समाज में होने वाले त्योहार को धूमधाम से मनाया जाए, ना कि उस अजान के बहाने दंगा किया जाए। उस अजान के बहाने दंगा किया गया और उस दंगे के पक्ष में यहाँ पर भी बड़े सोचने वाला विषय है कि कुछ प्रवृत्तिजीवी बनने वाले लोग दंगाइयों के पक्ष में आकर खड़े हो गए, उन लोगों के पक्ष में जिन्होंने माता बहनों की इज्जत लूटने का आह्वान किया, उन लोगों के पक्ष में जिनने हिंदू समाज के घर जलाए, उन लोगों के पक्ष में जिनने लूटपाट की, कितने बेशर्म है वो लोग जो आकर खड़े हो गए। और भाई उनको सपने में भी हर जगह खंडवा नजर आता है,
उनका तो कहना था कि खरगोन में जो दंगे भड़काए हैं उसमें खरगोन और दिल्ली के लोग थे। अरे सभा की अगर उपस्थिति होती तो वहां दंगा ना होता। उल जलूल आरोप लगाकर दंगाइयों को बचाना ये बंद करें और शास्त्र गिरफ्तारी होना चाहिए दिग्विजय सिंह की, ऐसे अन्य दिग्विजय पैदा नहीं हो। खंडवा में भी जो लोग दंगाइयों के पक्ष में आए उन पे भी FIR होना चाहिए, उनकी भी गिरफ्तारी होना चाहिए। क्यों दंगाइयों के पक्ष में आ रहे हैं? हम लोग तो कभी दंगाइयों के पक्ष में आकर खड़े नहीं हुए भाई। नामजद FIR है ना, आप दंगाइयों के पक्ष में आके खड़े रहो और उसके सारे प्रमाण है कि उन्होंने दंगे किए हैं। एक घर में तो बताते हैं कि सन 1992 से आज तक में 4 बार वो घर जला है खरगोन का। हम अजान का बहाना लें और हिंदू को अपने क्षेत्र से अपने मोहल्ले से पलायन करने पर मजबूर हो, ये सब बंद होना चाहिए।